तो दोस्तों यहाँ पे काफी हद तक यार रिसर्च करने के बाद एक चीज यार पता चली है कि हमारे चैनल पे यार जो ऑडियंस बेस है ना उनकी एज आप मान सकते हो 16-17 से लेके यार 24-25 एज है। अब ये एज में ना ज्यादातर स्टूडेंट स्टूडेंट टाइप के भी लोग आ जाते हैं। हाँ, अच्छा है भाई, ठीक है। अब पर यार देखो, अब हमारे पास क्या है ना यार, ऑडियंस है उनके पास पीसी भी है। देखो मेरे को यार लगता है हमारे चैनल पे जितने भी यूजर है ना मोस्टली के पास यार पीसी है। अब पीसी रिलेटेड वीडियोज भी रहती है हमारी। अब पीसी यूजर्स है और भाई एज आपकी यार इस रेंज में आती है तो थोड़ा अर्निंग के चक्कर में भी जाया जाए, क्यों ना करा जाए यार। जब आपके पास यार यूनिट है, आपके पास इन्वेस्टमेंट जब आपने पहले ही डन कर रखी है तो क्यों ना उससे यार थोड़ी प्रोडक्टिविटी निकाली जाए, कुछ अर्निंग कर ली जाए। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, यस इट्स पॉसिबल। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट लैपटॉप है, रहते हैं ना लोग लैपटॉप रखते हैं, डेस्कटॉप पीसी है, डेस्कटॉप है तब तो यार सुभान अल्लाह, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको। पर वैसे नॉर्मल पीसी भी है ना तो आप काफी हद तक कर सकते हो। इवन ओल्ड पीसी भी यहां पे काफी हद तक यार कारगर साबित होते हैं इन सब चीजों पे। तो आज बेसिकली देखो अर्निंग की वीडियोस आपको यार यूट्यूब पे भरपूर मिल जाएगी, अलग अलग सोर्सेज भी है और सब सही भी है। आपको बहुत सारे टेक्निक पता होगी, लाइक यार यूट्यूब से कर सकते हो, वेबसाइट कर सकते हो, ये सब अलग ही चीज है। मैं इनसे थोड़ा हटके बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं जिसमें आपका टाइम भी इतना वेस्ट नहीं होगा। डायरेक्टली आप अपने पीसी को बस रन करो, अर्निंग करो, सिंपल यार, डैट सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए। तो यार थोड़ा इस मेथड पे डील करते हैं। अच्छा ये चीज़ मैं बता दूँ, इनमें यार इन्वेस्टमेंट होती है, पर बेसिकली हुआ क्या है ना, इस एज में बिलोंग करते हो तो मोस्टली चांस है भाई आपके पास पीसी ऑलरेडी होगा। अब वीडियो देख रहे हो गया तो कमेंट में अपना यार पीसी का यार स्पेक्स बताना, हमें भी पता चले। तो इस पीसी के साथ भी आप कर सकते हो जिसका स्पेक्स लिख रहे हो। बाकी यार स्वागत आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। अब यहाँ यार थोड़ा सा मैं डिस्क्लोज करता हूँ किस चीज़ों पे मैं यार आज बेसिकली बात करने वाला हूँ। देखो हम पहले यार दो स्टेप में यार बेसिकली बात करेंगे कैसे अर्निंग कर सकते हो। एक तो बिल्कुल यार स्किल बेसिस पे रहेगा, वो अलग चीज है, उसमें थोड़ा टाइम वाइम भी लगेगा, पर हाँ वो काफी यार इफेक्टिव है और उसमें आप बहुत हद तक ट्रिपल और यार 4 डिजिट या उससे भी ऊपर तक जा सकते हो अर्निंग में। बिल्कुल भाई, इवन डॉलर्स में आप बोल सकते हो इस लेवल पे। पर वो उसकी बात अभी नहीं, पहले हम बात करते हैं सिंपल चीज की जिसमें आपको यार अपना सिर्फ पीसी का यूज करना है और अर्निंग होगी। इसमें यार कोई भी स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखो यार होता क्या है ना, बेसिकली आप जो पीसी लेते हो ना ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट आप करते हो। यहाँ देखो पीसी आपने लिया तो दो यूनिट तो आपके पास जरूर होगा, एक क्या है, एक हो गया प्रोसेसर और सेकेंडरी आपके पास यार ग्राफिक कार्ड। तो इन दोनों यूनिट की यार मदद से बेसिकली यूज से आप अर्निंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो थोड़ा सा बताता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं यार जीपीयू की बात कर लेता हूँ। तो जीपीयू अगर है आपके पास तो आप यार माइनिंग कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में डील कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट वे है। और इवन यार मेरे को यार बोल सकते हो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है माइनिंग कर रहे हैं लोग। हाँ आज के टाइम पे थोड़ा इसकी यार प्रॉफिटेबल कम हो गया, पर एकदम यार नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा पीसी है जिसमें ग्राफिक कार्ड है, आज के टाइम पे बेसिकली आपको सच बताऊं तो अगर आप लैपटॉप भी लेते हो ना वहां पे भी अच्छे ग्राफिक कार्ड आ जाते हैं। किस तरीके से करना है, थोड़ा वो सेटअप जो मैंने यार अभी तक कर रखा है ना उसको आपको दिखाता हूं, थोड़ा आपको यार इससे कंक्लूजन मिल जाएगा कैसे जीपीयू माइनिंग चलती है। तो दोस्तों ये बेसिकली हमारा सेटअप है, कुछ भी नहीं है भाई, ये ग्राफिक कार्ड है जैसा आप देख सकते हो। अब बेसिकली इसी की मदद से आप अपने पीसी पे कर सकते हो माइनिंग। वो कैसे करते हैं थोड़ा वो बताता हूं। तो भाई जैसा आप यहाँ देख सकते हो ये इनकी यार जैसे NB माइनर मैंने डाउनलोड कर रखा है, ऐसे बहुत सारे माइनिंग के आते हैं यार जो सोर्स आपको करवा देंगे, लाइक NB माइनर हो गया, लोल माइनर हो गया। इस पे देखो यार अलग अलग टाइप के, इथीरियम हो गया, ईथ हो गया और बहुत सारे, ये देखो एर्गो हो गया और एक और अपना होता है रेवन कॉइन। इस तरीके से आप बहुत सारे यार कॉइन्स को माइन कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो डायरेक्टली। इनको यार जब आप एडिट करते हो ना बेसिकली, तो इस एडिट में भाई आपका यहाँ पे यार बिल्कुल एड्रेस डलता है, जो वॉलेट एड्रेस होगा या वजीर एक्स से ले सकते हो अपना इथीरियम का और यहाँ डाल दो। और यार उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है समझ ही गए, यहाँ से आपको यार इस पर डबल क्लिक करोगे ये माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से अपना यार ग्राफिक कार्ड ओवरक्लॉक कर लिया एंड दैट्स ऑल सिंपल यार, आप यहाँ माइनिंग कर सकते हो। इस तरीके से बेसिकली करते हो, बाकी बोलोगे तो इस पर यार एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकते हैं। दोस्तों ये तो यार जीपीयू माइनिंग की बात हो गई, सीपीयू माइनिंग भी पॉसिबल है यही मैं बताना चाहता था। हाँ ठीक है इसमें इतनी अर्निंग नहीं है, पर आप स्टार्टिंग के हिसाब से कर सकते हो। वैसे इसका इतना फायदा नहीं है इंडिया में खास करके, पर यार ये अवेलेबल है, थोड़ा इस पर रिसर्च करना आपको यार इजिली कॉन्टेंट मिल जाएगा। जीपीयू माइनिंग हमने कर रखी है इसलिए आपको यार पूरा डिस्क्लोजर अच्छे से बता दिया, बाकी सीपीयू माइनिंग भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अब सीपीयू माइनिंग में भाई ओल्डर पीसी के अंदर यार इतना नहीं हो पाता है। हाँ बोलोगे अगर आपके पास ठीक ठाक प्रोसेसर है राइजन का, एपीयू वेपीयू, वहां कर सकते हो। तो ये तरीके तो यार बेसिकली पूरी तरीके से सिंपल है, एज दैट यार आपके पास पीसी हो उसको चला दिया, छोड़ दिया, काम हो गया। सेकेंडरी है भाई स्किल्स। अब स्किल्स बहुत जबरदस्त, मैं आपको यार एक चीज प्रेफर करूंगा, सबसे बेस्ट तरीका अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो स्किल सीख लो। लाइक आपको यार वीडियो एडिटिंग आती है उसमें टॉप लेवल पहुंचो। इवन हमने यार बात कर रखी है आई बटन पे, आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो एडिटिंग
बता रखी है, इन सब चीज़ों के यार एकदम नेक्स्ट लेवल पहुँच जाओ। वीडियो एडिटिंग हो गया, कॉन्टेंट राइटिंग हो गया, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज के टाइम पर तो एक्सेट्रा में डील होती है यार इन चीज़ों पर। सो इनको यार बेसिकली बहुत अच्छे से सीख लो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, लोग यहाँ पे यार फ्रीलेंसर या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आपको रेफर करते हैं, मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि यार देखो इनमें कॉम्पिटिशन बहुत है तो बहुत सही है पर कॉम्पिटिशन है। तो इसको तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अप्रोच करो। लाइक यार आप मेरे इवन यार जो हमारी वेबसाइट है ना उस पर जो एक कॉन्टेंट राइटर हमने रख रखा उसने मेरे को अप्रोच करा था। तो इस तरीके से आप बेसिकली यार दूसरे लोग जिनको यार इसकी रिक्वायरमेंट है उन्हें मेल कर सकते हो, ये बहुत बेस्ट मेथड रहता है। आज भी मेरे पास मेल आते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी चलो यार मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए, थोड़ा यार अर्निंग वर्निंग की बात होनी चाहिए। बाकी चलो अगर वीडियो पसंद है तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।